हेलो एंड वेलकम, मैं हूं अमित दीक्षित और आप देख रहे हैं एडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल, जहां आपको मिलते हैं क्वालिटी एजुकेशनल टेक वीडियोस। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, सब्सक्राइब करने के लिए दबाइए सब्सक्राइब के बटन को, साथ ही दबाइए बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ वन स्टेप स्कीम के बारे में, जो कि है गवर्नमेंट टीचर्स के लिए, एमपी गवर्नमेंट के टीचर्स के लिए, यानी शासकीय शिक्षकों के लिए जो कि एमपी गवर्नमेंट के हैं और शासकीय स्कूलों में जो शिक्षक के तौर पर अपॉइंटेड हैं उनके लिए ये योजना है, वन स्टेप अप योजना। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बेनिफिशियल योजना है। अगर आप जानेंगे इसके बारे में, आज मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कंप्लीट। और इसकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए लिंक स्टार्ट ओपन हो गई है एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर, तो इसकी प्रोसेस भी मैं आपको बताऊंगा कि आप रजिस्ट्रेशन वहाँ पर कैसे कर सकते हैं। और सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वन स्टेप स्कीम है क्या, जो लोग नहीं जानते उनके लिए जानना ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं वन स्टेप स्कीम के बारे में। दोस्तों, वन स्टेप स्कीम जो है वो मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा चालू की गई है और इसके अंतर्गत काफ़ी जिलों को आदेश भेजा गया है कि जो शिक्षक 12वीं तक पढ़े हुए हैं उनको स्नातक कराने की, यानी कि ग्रेजुएशन कराने की, और जो ग्रेजुएट हैं यानी स्नातक हैं उनको स्नातकोत्तर यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कराया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ एमपी के द्वारा। इसका पूरा खर्चा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट उठाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि आप फ्री में आपको अपनी एजुकेशन स्किल्स को बढ़ाने का मौका मिलेगा यहाँ पर, अगर आप टीचर हैं गवर्नमेंट के। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी यानी पात्रता रहेगी वो आप जान लें। जो भी अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा आदिम जाति विभाग, नगरीय निकाय पंचायत विभाग द्वारा अधिशासित किसी भी विद्यालय में नियमित अध्यापक हैं और सहायक अध्यापक के रूप में पदस्थ, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपकी जो आयु है वो 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसमें जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए और महिलाओं के लिए ये जो उम्र है वो 47 वर्ष डिसाइड की गई है अधिकतम। और जिन शिक्षकों की आयु 1 जुलाई 2015 को 45 वर्ष से अधिक होगी और सेवा काल उनका यानी कि उनकी जॉब को 15 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, वो इसके लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा, 15 वर्ष से जिनको अधिक समय हो गया है और जिनकी उम्र 1 जुलाई 2015 तक 45 साल नहीं है, तो वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो ये थी इसकी एलिजिबिलिटी। और नेक्स्ट बात करूँ कि जिन शिक्षकों की आयु 1 जुलाई 15 वर्ष, मैं आपको बता चुका हूँ। और व्यावसायिक योग्यता की बात करूँ तो जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है वो या तो डीएड या बीएड उत्तीर्ण आपको होना चाहिए, इनमें से कोई भी एक होगा। प्रोफेशनल डिग्री यानी व्यावसायिक योग्यता वो इसमें रिक्वायर्ड रहेगी, आपको इसमें बताया गया है। और जिन शिक्षकों द्वारा शासकीय सेवा में आने के बाद अपने खुद के खर्चे पर जो भी विषय से ग्रेजुएशन की गई है, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके अकॉर्डिंग भी फिर भी आपको इसमें एडमिशन मिल सकता है, इस प्रोसेस में आप पात्र होंगे। तो ये भी इसमें अपडेट है इसकी एलिजिबिलिटी की। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब आप इसकी प्रोसेस के थ्रू एडमिशन लेते हैं तो इसके बाद, यानी आप एडमिशन ले लेते हैं और आपका कोर्स पूरा होने के बाद के लिए आपको 5 साल तक का एक गवर्नमेंट शासकीय सेवा का बॉन्ड साइन करना होगा गवर्नमेंट के साथ में, यानी कि आपको 5 साल, आप इस डिग्री को कंप्लीट करने के बाद आप 5 साल तक गवर्नमेंट की सेवा यानी गवर्नमेंट जॉब के लिए आपसे बॉन्ड साइन कराया जाएगा, जो कि आप जब अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, तभी आपसे लिया जाएगा। तो इसका क्या प्रारूप रहेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा और क्या इसके आवेदन पत्र का प्रारूप रहेगा वो भी मैं बताऊंगा। तो ये आप समझ लें कि शासकीय सेवा का एक बॉन्ड भरना होगा ये इसके अंतर्गत। और इस ये रहा देखिए आवेदन पत्र का प्रारूप, ये आप अपने इस आवेदन को कर सकते हैं, इसमें डिटेल्स भर दें आपकी, जो भी आपकी जानकारी है ये भर के आप आवेदन कर दें। और आवेदन और बॉन्ड, जो आपको बॉन्ड अभी मैं बताऊंगा, इस आवेदन को कंप्लीट अपनी जानकारी भर के आप कर दें। आपके जो प्राचार्य हैं या आपका जो संकुल या डीडी ऑफिस है वहाँ से संबंधित अधिकारी द्वारा ये प्रमाणित किया जाएगा और इसको अप्रूव किया जाएगा। ये बॉन्ड जो है वो इस टाइप का रहेगा, ये देखिए स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है बॉन्ड, ये नॉन जुडिशियल बॉन्ड है, 10 रुपये के लिखा हुआ है इसमें ऊपर, आप देख सकते हैं। और ये आपको भरना होगा इसके साथ साथ में, तो ये दोनों चीज़ें आपको आवेदन के साथ में ये भर के देनी होंगी अपने प्राचार्यों को, और वो फिर इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो ये इसकी प्रोसेस रहेगी। और इसके लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है
वो ई प्रवेश की वेबसाइट पर देखिए, इसके लिए एक लिंक स्टार्ट कर दी गई है। तो आप एमपी हायर एजुकेशन की वेबसाइट है eprevesh.nic.in, वहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन यानी कॉलेज में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए एक लिंक ओपन की गई है। तो वो मैं आपको बता देता हूँ, वहाँ पर ये बताया गया है कि जो शासकीय स्कूलों के जो शिक्षक हैं उनके लिए ये वन स्टेप योजना के लिए ये एक इसमें टैब एक लिंक आ गया है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पर ये दिखाई दे रहा होगा, वन स्टेप योजना के अंतर्गत शासकीय स्कूलों के अध्यापकों का पंजीयन। तो इस बटन पर आपको क्लिक करना होगा यहाँ पर जाके, और इस बटन पर जब आप क्लिक कर देते हैं तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा, और ये फॉर्म में आपको जो जानकारी भरनी होगी वो आपकी रहेगी। अब देखिए इसमें लिखा हुआ है ये इसके लिए केवल शासकीय स्कूलों के शिक्षक ही पात्र हैं और कोई नहीं है। तो यहाँ पर आपकी जो डिटेल है आपकी 10th की 12th की आपकी पर्सनल डिटेल्स आपको भरनी होगी, आपको आपका समग्र आईडी, आपका आधार कार्ड, आप समझ सकते हैं कि इसमें जितनी भी आपकी जानकारी है वो एक तरह से फॉर्म इसमें कंप्लीट करके आपको देना होगा। और बाकी इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो रहेगी वो रहेगी, अगर गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर है, जैसा कि मैंने आपको बताया आपने आवेदन किया बॉन्ड के साथ में और आपका अप्रूव हो जाते हैं, उसके बाद अगर गवर्नमेंट की द्वारा जो अप्रूव लिस्ट है उसमें आप आ जाते हैं, तो आप यहाँ पर वो भी आपको बताना होगा। ये नीचे दिखाई दे रहा है डिटेल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड स्पॉन्सरशिप, तो ये दिखा रखा है कि अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट या किसी भी संस्था के द्वारा स्पॉन्सर्ड हैं यानी कि, तो आप यहाँ बता दें तो आप अपनी स्कूल का और उसका नाम दे सकते हैं। यहाँ पर ये आपको यस नो का ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको सेलेक्ट करना होगा, तो इसके आधार पर ही आपको बेनिफिट मिलेगा। और नीचे आपको 4 डिजिट की सीक्रेट की यानी कि आपको एक पासवर्ड जैसा आपको इसमें बनाना होगा, ताकि वो 4 डिजिट का जो पासवर्ड है वो और आपका एप्लीकेशन आईडी इसको भरने के बाद जो मिलेगा उसके ज़रिए ही आप आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। तो इन दोनों को आप संभाल कर रखें और इसका कन्फर्मेशन कर लें। और ये थी सारी जानकारी इसकी वन स्टेप स्कीम की। तो इसकी जो कन्फर्मेशन है आप अपने स्कूल के हेड ऑफिस से या DDO ऑफिस से कन्फर्म करने के बाद ही रजिस्ट्रेशन करें, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि इसका नोटिफिकेशन अब एजुकेशन पोर्टल पर नहीं है। तो आप इसको देखें, जब तक ये वीडियो बनेगा तब तक शायद आ जाएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, देखते रहिए और सीखते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग विद AD एजुकेशन। थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए।